हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है, आप जानना चाहते हो कि अभी के लिए यस है या नो है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अगर हाँ है तो भी और अगर ना है तो भी, ठीक है, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं। अगर आपके मन में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो भाई फिर आंसर भी क्लियरली नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन पहले अच्छे से सोचें, उस क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस करें, उसके बाद डिवाइन को याद करें, यूनिवर्स को याद करें, अपने मन को थोड़ा सा शांत करें, और फिर जो इंस्टेंटली जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ओके। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। ऑप्शन थ्री के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ऑप्शन फोर के लिए है यहाँ पे ये सोडा लाइट ब्रेसलेट, ओके। एंड ऑप्शन फाइव के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन ब्रेसलेट, ओके। सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद जो भी ब्रेसलेट आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इस रीडिंग को भी गाइडेंस बेस्ड ज़्यादा रखूंगी। सो जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिले आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, लेकिन फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उसका जवाब हाँ है या फिर ना है, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट क्वेश्चन की क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ वॉन्स, ठीक है, जजमेंट, वेरी नाइस, एंड नाइट ऑफ कॉइन, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, सो मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ऑप्शन फर्स्ट विक्ट्री, एंड यहाँ से मैं देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, आपने जो भी काम के लिए पूछा है, जो भी आपके मन में सवाल है, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, देखो अबंडेंस, वो काम होगा तो सही, ठीक है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी तो सही, लेकिन वो सक्सेस ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एकदम से मिल जाएगी, ठीक है। या फिर से जैसे आप चाहें कि अगले महीने ही मेरा काम हो जाए, अगले महीने ही मेरी इस पर्सन से शादी हो जाए, या कुछ भी, कुछ भी ऐसा रह सकता है जिसकी चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये उनके स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन रह सकता है कि भाई कब तक ये 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों का जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों का वीज़ा वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, आपका काम तो होगा, ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, यस है यहाँ पे, वो काम तो आपका होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपने सोच रखा हो वो उसी वक्त हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ पे टाइम लग सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे ना जजमेंट की एनर्जी आई है बीच में। अब जजमेंट का मतलब एक तरीके से क्या है कि ईश्वर की मर्जी, डिवाइन टाइमिंग। तो जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा, उस काम के पूरा होने का समय आ जाएगा, वो काम तब भी हो जाएगा। तब तक अब बस यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि
ये वाला जो भी प्रोसेस रहेगा ना, ये जो भी आपने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है, यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स हैं आप लोगों के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे हीलिंग के रिगार्डिंग भी आप लोगों का क्वेश्चन रह सकता है कि कब तक हीलिंग हो जाएगी या कब तक रिकन्सिलेशन हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अपनी मेहनत करते रहो। आप जो भी कुछ कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, आप मेहनत करते रहो, ठीक है ना, वो ज़रूर होगा। आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आपको ज़रूर मिलेंगे, है ना। लेकिन से पेशेंस, धैर्य रखना आप लोगों ने सीखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है किसी तरीके की ट्रैवल को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लें, किसी ट्रिप को, किसी ट्रैवल को। ये मुझे एडिशनल यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ में यहाँ पे देखो तो विक्ट्री का कार्ड है, जीत को बता रहा है, खुशियों को बता रहा है, अपने गोल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, प्राउड फील करना खुद पे। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही हैं। एंड इसके साथ में है यहाँ पे अबंडेंस, ठीक है। देखो लाइफ में ना इस चीज़ की भागदौड़ में नहीं रहना चाहिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लाइक आप कितना खुश हैं, आपके परिवार वाले आपसे कितना खुश हैं, है ना, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है ना। तो रिश्तों में भी सब कुछ सही चल रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि जस्ट किसी चीज़ के लिए ना वो जिद अपने मन में, किसी भी चीज़ के लिए बेसिकली कहा जा रहा है जिद नहीं करनी है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये सेवन चक्र ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है, एंड साथ में डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके क्वेश्चन के रिलेटेड। एंड एक और चीज़ कि क्वेश्चन क्लियरली आपके सामने होना चाहिए जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन टू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ऑप्शन टू, ओके, सो फर्स्ट इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सर ये तो अपने आप में ही जीत का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ओके, एंड सेवन ऑफ वॉन्स, यही परेशानी है बस। देखो सिक्स ऑफ वॉन्स भी है यहाँ पे, सेवन ऑफ वॉन्स भी है यहाँ पे। देखो ऑप्शन टू यहाँ पे, जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप जान रहे हो, आप जानना चाहते हो कि होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे तो उसके लिए यस है कि भाई होगा तो सही, लेकिन बहुत मेहनत आप लोगों ने करनी पड़ेगी। ठीक है, इजीली सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा है कि नहीं होंगी, हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स हों या लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, या लोग ऐसे करें कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलत डायरेक्शन है, क्या कर रहे हो, तो बहुत सारा जैसे ना विरोध विरोध जो होता है ना वो आपको सहना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि भाई दूसरे लोगों को तो ईजिली मिल जाता है, मेरे साथ ही इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, मुझे ही इतना सब कुछ फेस क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन वही चीज़ आपको स्ट्रांग बना रही है। ठीक है, जो आप अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वही आपको यूनिक बना रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, इट जस्ट लाइक कि आपको जब तक आपका एम नहीं मिल जाता तब तक तो आप हार मानने वाले हो नहीं। पता नहीं ये रीडिंग भी क्यों देख रहे हो, आप लोगों को तो ऐसा है कि होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए, मुझे तो करके ही दिखाना है। लेकिन समटाइम्स ना फिर भी डाउट आ जाता है जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो, कि होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा भाई। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन टू, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, ओके, एक और कार्ड यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन टू। नो नीड टू वरी, तो ऑप्शन टू यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए भाई, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर एक तरीके से काम नहीं बन रहा है ना, तो कई बार हमें अपने तरीकों को भी बदलना पड़ता है, कई बार ही हमें कुछ चेंजेस भी लेके आने पड़ते हैं,
कई बारी कुछ मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कंसीडर ज़रूर करें, एक जगह स्टेगनेंट होके नहीं खड़े हो जाएं, है ना, कि मुझे तो यहीं रिक्शा मिलना चाहिए तभी मैं मार्केट जाऊँगा। नहीं, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है रिक्शा, थोड़ा सा आगे चले जाओ। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में आप लोगों को अपनाना है, ऑप्शन टू। दूसरी चीज़, स्ट्रांग बने रहना है, परेशान नहीं होना है। सो डेफिनेटली यहाँ पे यस है ऑप्शन टू। एंड बस खुश हो जाओ अभी और मेहनत करो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन थ्री की तरफ। हेलो ऑप्शन थ्री। सो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब, उसका आंसर क्या है, यस है या फिर नो है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है। सो जो भी क्वेश्चन है भाई आप लोगों के मन में, उसकी इमेज क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन थ्री, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन थ्री। ओके, किंग ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, टेन ऑफ कप्स, तीनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपका बस चिंता बहुत ज़्यादा करते हो, फिक्र बहुत ज़्यादा करते हो, हर चीज़ की टेंशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। ऑप्शन थ्री, सोचते बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी विजडम के ऊपर भरोसा रखें। जो भी काम आपने करना है ना, वो भाई अपनी बुद्धिमानी, अपनी विजडम से करना है। अपनी विजडम से आपको डिसीजन लेने हैं। कुछ भी काम करने जा रहे हो, आप अपने करियर के लिए पूछ रहे हो या फिर आप रिश्तों में सुधार के लिए पूछ रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन है भाई ज़रूर होगा, ठीक है। बिकॉज चैरियट जो है वो अपने आप में एक सक्सेस का कार्ड है। इट मीन्स कि आप कोई ना कोई सल्यूशन तो निकाल ही लोगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने तरीके से अपने फेवर में उसको कर ही लोगे। बिकॉज मतलब बस पता है यहाँ पे कमी कहाँ आ जाती है कि आप खुद के ऊपर समटाइम्स ट्रस्ट नहीं करते हो, है ना। जहाँ पे आपने खुद के ऊपर पूरा भरोसा कर लिया, खुद के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लिया, है ना, उस दिन मतलब लाइक अपनी किस्मत खुद लिखोगे। ऑप्शन थ्री, मतलब इतनी पावर आप लोगों में है, ये मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आपको खुद के ऊपर डाउट होता है, तो अपने अपने ऊपर जो आप डाउट करते हो ना, उस एनर्जी से बाहर निकलो। बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो भाई यस है, यस है, यस है, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता आप लोग का क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक साल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक साल सा लग सकता है, ठीक है, जो भी चीज़ आपने पूछी है उसके लिए। सो मैं देखती हूँ कुछ और। ऑप्शन थ्री, फिफ्थ चक्रा। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन का गुण अपने अंदर लेके आए, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें, अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करें। और कुछ लोगों को अगर थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं, यू नो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, तो यहाँ पे बस एक चीज़ ये कही जा रही है कि थ्रोट चक्रा को अच्छा कर लें। थ्रोट चक्रा को आपने अच्छा कर लिया तो अपनी बोली से ही, अपनी कम्युनिकेशन से ही आप अपने काम बनवा लोगे। एंड रिलेशनशिप में भी ना, जब आप होते हो तो आपके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन को आप लोग को अच्छा करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो मैं दिखाती हूँ, ये जो ऑप्शन फोर में जो मैंने सोडा लाइट का क्रिस्टल रखा था, ब्रेसलेट रखा था, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम एक और कार्ड क्या गाइडेंस है। ऑप्शन थ्री, ओह माय गॉड, कम्युनिकेट क्लियरली। सो यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन के लिए ही बोला है, चैरियट भी कम्युनिकेशन को बताता है। सो अपने कम्युनिकेशन आपको क्लियरली रखने हैं। किसी से बातचीत करने जा रहे हो, कोई डील साइन करने जा रहे हो, किसी को मनवाना है, अपने फेवर में लेके आना है, सो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑप्शन थ्री, सो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशंस पर ध्यान दें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन फोर की तरफ।
हेलो ऑप्शन फोर। सो अगर आप लोगों ने सोडा लाइट का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ है या फिर ना है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो सबसे पहले भाई जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का उसकी क्लियर इमेज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फोर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फोर। टेन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे शफलिंग में ही बड़ी हैवी एनर्जी फील हुई थी। टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, ऑप्शन फोर, शायद जो पहले ही ख़त्म हो चुका है या फिर से मैं ऐसे कहूँ पहले ही नो हो चुका है, लेकिन अब भी आप लोगों के मन में एक होप है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद ये ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा होता। तो एक होप के चलते शायद आप जानना चाहते हो कि भाई यस है या फिर नो है, उम्मीद लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। यहाँ पे फ़िलहाल का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है आप लोगों की लाइफ में, अभी कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत सारी लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें ना आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। ऑप्शन टू, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ है ना वहीं से किसी नई चैप्टर की आप लोगों की लाइफ में शुरुआत भी हो रही है। देखो आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए पूछा है ना, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि वो तो नो ही यहाँ पे आ रहा है, ना ही आ रहा है कि जो आपने पूछा है वो शायद पॉसिबल नहीं है होना, है ना, उसके लिए तो मना ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। सो आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके ऊपर फोकस करना है और खुद को संभालना है। यहाँ पे ऑप्शन टू ये आप लोगों से कहा जा रहा है, एंड ये भी कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, ठीक है। जैसे अगर जॉब नहीं लगी, सिलेक्शन नहीं हुआ, परेशान हो कि दूसरा अटेम्प्ट दें या नहीं दें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ और भी तलाशो। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, तो अपने ऊपर भरोसा रखो न? कुछ और नया, पता नहीं कुछ नया कुछ नया कुछ नया, मुझे यही वर्ड आप लोगों के लिए बार बार सुनाई दे रहा है। ऑप्शन फोर, देखते हैं यहाँ से क्या है। ऑप्शन फोर क्या गाइडेंस है। हैप्पी फैमिली नंबर फोर। ओके एक और देख लेते हैं। ऑप्शन फोर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखो जैसे मैंने कहा कि जो भी सवाल है आपका, शायद उसका जवाब तो देखो यहाँ पे नो ही आ रहा है, लेकिन कुछ जैसे मैं बोल रही थी ना कि कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पे आपकी सिचुएशन बेटर हो रही है, आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है, बहुत सारे सवालों के आप लोगों को यहाँ पे जवाब मिल रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, सो इनकेस अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो ठीक हो रही हैं, फैमिली में यू नो एक यूनिटी जो है वो वापस से आ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में आने वाले हों। ओके सो ऑप्शन फोर ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन फिफ्थ की तरफ। हेलो ऑप्शन फाइव। सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका जवाब हाँ है या फिर ना है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है। सो जो भी क्वेश्चन है आपका क्लियरली उसकी इमेज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ओके सो ये ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फाइव, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फाइव। द डेविल,
ओके, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। भाई जो भी आपने सवाल पूछा है वो इजीली काम नहीं होने वाला, बिकॉज़ यहाँ पे दी डेविल की एनर्जीज आ गई हैं। अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले आपको इट्स जस्ट लाइक कुछ नेगेटिविटीज से आपको गुजरना पड़ेगा, मतलब किसी तरीके की नेगेटिविटी है। अब ये जो नेगेटिविटी है ये आपके खुद के अंदर हो सकती है कि आप खुद पर बिलीव नहीं करते हो या कुछ भी, या फिर आपके आसपास हो सकती है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइक कोई नेगेटिव स्पिरिट है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, लेकिन उससे होकर आपको गुजरना पड़ेगा, उससे आपको लड़ना पड़ेगा, उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ऐसा है कि आपको आपकी जो भी मंजिल है, आपकी जो भी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। और ये मुझे बहुत हद तक ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके अपने ही कुछ बिलीव्स हैं, है ना, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे जस्ट ऐसी एनर्जीज है ना कि कुछ चीज़ों को आपको अपने आप से, अपने अपनी ज़िंदगी से आपको दूर करना पड़ेगा। कुछ टेम्पटेशन हो सकती हैं, कोई एक भाई परीक्षा तो यहाँ पे है आप लोगों की, कोई एक थोड़ा सा मुश्किल फेस तो यहाँ पे है। जब उसको पार कर लोगे, उन मुश्किलों को पार कर लोगे, तो फिर जीत आपकी है, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। लेकिन किसी तरीके की चैलेंजेस आप लोगों के सामने आएंगे, ऑप्शन 5, इनसे आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, उसके बाद भाई आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ से मैं देखती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5, यहाँ पे तो भाई सेलिब्रेशन भी है, यहाँ पे आप लोग लव लाइफ रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन इनसे थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी भाई, उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ से एक और देख लेती हूँ, ऑप्शन 5। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पे दो दोनों कार्ड के साथ जो गाइडेंस है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे कार्ड कह रहा है भाई कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ, इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो। दी डेविल की एनर्जीज पता है कैसी भी होती हैं, कभी कभी जैसे कोई आपको इमोशनली फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके इमोशंस के साथ जैसे खेलना चाह रहा है। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने विजडम से, अपनी इंटेलेक्ट से आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाने पाए, कोई भी आपकी एडवांटेज नहीं ले, आपको ग्रेंटेड पे नहीं ले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना है। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो ना तो कम्प्लीटली इमोशनल होके ले लीजिए, ना कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होके ले लीजिए। ज़्यादा खुशी में भी कुछ डिसीजन नहीं लेने हैं, ज़्यादा दुखी हो तो भी नहीं लेने हैं, गुस्से में भी नहीं लेने हैं। आपको अपने डिसीजन लेने हैं जब आप एक बैलेंस की स्टेट में हो, है ना। एंड इसके साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना। ऑप्शन 5, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड कह रहा है कि आप समझ ही रहे हो कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, मेरी इस बात को ध्यान में रखना। ऑप्शन 5, ओके, यस है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल हैं, बस उनको दूर करना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन 5 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग ने हेल्प किया हो, आपको अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो बाय।